नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। विषय थोड़ा गंभीर है। साइबर फ्रॉड के मामलों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। साइबर फ्रॉड का मतलब आप समझते ही होंगे, जो डिजिटल माध्यम से फ़ोन कॉल, ईमेल या अन्य किसी डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी करके आपके पैसे लूट लिए जाते हैं, उगा लिए जाते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि केसेस अब इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा व्यापक हो गए हैं और इतनी बार हो रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक चर्चा ज़रूरी है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई फूल प्रूफ टेक्निक नहीं होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आप जितने सावधान और अवेयर होते जाते हैं, वैसे वैसे वो फ्रॉडस्टर्स भी अवेयर होकर नए नए तरीके अपनाने लगते हैं। जैसे आज से एक साल पहले, दो साल पहले या उससे पहले जो वो तकनीक अपनाते थे, अब वो नहीं अपना रहे हैं। तो इसलिए आपको कोई फूल प्रूफ तरीका बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक बैंक में काम करता हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो इसलिए मेरा अनुभव एक एवरेज इंडिविजुअल से ज़्यादा है। मैंने देखा है कि किस किस तरह से स्कैम्स होते हैं, किस किस तरह से लोग उसमें फंसते हैं, किस किस तरह से लोग उससे बच जाते हैं। मेरे साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मेरे परिवार वालों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इन सब का समायोजन करके मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दे दूं, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो ठीक ठाक संभावना है कि आप जाल में फंसेंगे नहीं। तो ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना मैं शुरू करता हूँ कि साइबर फ्रॉड से कैसे हम निपटें, क्या हम तरीके अपनाएं जिससे हमारे साथ ऐसा ना हो। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात, जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये है कि घबराइए मत। आपको कॉल आके पहले तो लालच के दिशा में घुस के आपसे पैसे निकाले जाते थे, आजकल डरा के करते हैं कि पुलिस वाला बोल रहा हूँ, सीबीआई वाला बोल रहा हूँ, आपके ये डीटीडीसी कोरियर पैकेज वाला बोल रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जो भी है। तो घबराएंगे आप तो क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो कई बार नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो आपको सुन के लगेगा कि अरे यार इसमें कोई कैसे फंस सकता है, वो आप ही के साथ हो जाएगा अगर आप घबरा जाएंगे। तो आप वो अपना कॉमन सेंस जो आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ कर सकते थे, वो भी आप नहीं करेंगे। जैसे डिजिटल अरेस्ट का आजकल केस बढ़ने लग गया है, अभी मेरी वाइफ के साथ भी कुछ दिन पहले हुआ था, और अभी हमारे मेरे टीममेट ने एक शेयर किया, वर्धमान ग्रुप के किसी डायरेक्टर के साथ भी हुआ है ऐसा। तो डिजिटल अरेस्ट में ये होता है कि आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि आपके नंबर से और मोबाइल नंबर से नया दूसरा कोई मोबाइल नंबर है, उससे अकाउंट खुल गया है, वो नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है और कोई बैंक में अकाउंट खुल गया है, उसमें साइबर फ्रॉड के दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो आपको मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर केस बन रहा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। आपको वो फ़ोन काटने नहीं देंगे, आपसे वो बात करते रहेंगे, आपको किसी के आसपास नहीं जाने देंगे। मतलब आप फोन साइलेंट पे भी नहीं कर सकते, आप फोन काट भी नहीं सकते, इसलिए इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। आपको ये भी बोल देते हैं आप और किसी से बात करेंगे तो वो भी इसमें कॉम्प्लिसिट माने जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनसे बात करते रहें। तो दिल्ली की एक महिला है, आई थिंक 70 वर्ष की आयु या उससे थोड़ा ज़्यादा है, उनके 83 लाख रुपए उन्होंने इस तरह से निकलवा लिए कि आप एक काम करिए, अपना पूरा पैसा लिक्विडेट करिए, एफडी वगैरह, और ये इस अकाउंट पे भेज दीजिए, तो हम लोग ये केस रफा दफा कर देंगे, आप सीनियर सिटीजन है तो हम जल्दी करेंगे, ऐसा वैसा करके। बाद में वो इंटरव्यू जब ये दे रही थी इससे रिलेटेड, एनडीटीवी पे आया है उनका इंटरव्यू, आप चाहें तो डिजिटल अरेस्ट करके सर्च कर सकते हैं। तो यही बोली कि आई थिंक आई वॉज हिप्नोटाइज, कि उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, नहीं तो ऐसा कौन करता है, मैं तो नहीं करती। तो वो हिप्नोसिस वगैरह नहीं है, वो यही है कि जब आप घबरा जाते हैं तो आप सोचते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, सबसे पहली बात कि आप घबराइए मत ऐसा कोई भी कॉल आता है तो, ठीक है। आप फोन काट दीजिए, चाहे आपको असली ईडी, सीबीआई, पुलिस कोई भी कॉल कर रही हो, आपको वो फोन तुरंत अटेंड करके उसी वक्त बताना जरूरी नहीं है। भारत का कानून आपको समस्या आप भारत का कानून आपको बराबर ये अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है कि आप अपना इनोसेंस साबित कर सके, आप निर्दोष हैं साबित कर सके, तो आप अपने घर में किसी भी जानकार वगैरह से बात कर सकें, या आप उनसे पूछें कि आप कहाँ हैं, पुलिस स्टेशन है, सीबीआई का ऑफिस है, किसी का भी है, यहाँ वहाँ। क्योंकि वो लोग ये भी बोल के डराते हैं कि आपको आना है तो हम आपको अरेस्ट में रिमांड पे ले लेंगे 46-45 दिन। सीबीआई को और कोई काम नहीं है कि आपके वो 10-20 हज़ार 1 लाख के केस में पड़ेगा, वो उनको कई 100 करोड़ों के केसेस देख रहे होते हैं भाई, वो आपके पीछे आएंगे क्या? तो थोड़ा सा घबराएंगे आप, नहीं तो आप ये चीज़ें एनालाइज कर पाएंगे। पैसा तो आप बिल्कुल मत दीजिए, आप अपने घर में ज़रूर पूछिए किसी से, जो भी जानकार हैं आपके परिचय में, जो भी जानकार हैं, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पैसा देने से पहले हमेशा आप दूसरे से बात करिए। फ़ोन काट दीजिए, अगर वो फ़ोन काटने से मना करते हैं तो भी आप उस बात को मानिए मत, आप फ़ोन काट दीजिए, आप अपनी पूरी इंक्वायरी कीजिए, पूरा ड्यू डिलीजेंस करिए, और पैसा मत दीजिए। पैसा कोई नहीं मांगता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कारगर तरीका, मतलब सबसे एक
नेचुरल सिंबल है कि ये फेक कॉल है, स्पैम कर रहा है आपको, स्कैम कर रहा है आपको, ठीक है। दूसरी चीज होती है अपना व्यक्तिगत जानकारी देने का, तो उसमें हालांकि अब थोड़ा ये पीछे होने लग गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे केसेस आते हैं कि आपको फोन करके बोलेंगे आपका नंबर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे अपना आधार कार्ड बताइए, अपना एटीएम कार्ड बताइए, इसका जानकारी दीजिए, उसका जानकारी। आपको कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं, मैं बैंकर हूं, मैं बता रहा हूं आपको, बैंक से कॉल आए, पुलिस से कॉल आए, प्रधानमंत्री से कॉल आए, किसी से भी कॉल आ जाए, आपको अपना निजी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा जाइए ना, बोले बैंक में कोई प्रॉब्लम है ना, मैं आता हूं ब्रांच में, आप जाइए ब्रांच में, आप बात करिए ब्रांच में, या आपके कोई आरएम होंगे, रिलेशनशिप मैनेजर, जिनसे आप बात करते होंगे उनसे बात करिए, किसी से भी बात करिए, पैसा वैसा मत दीजिए। कोई सॉफ्टवेयर या लिंक का आता है कि इस पे क्लिक करके आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो आपको ये प्राइस मिला है, इसको क्लिक करके ये करिए, तो आपसे एक फर्जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेंगे, वो आपके सारे पासवर्ड्स वगैरह ले लेगा, आप उसमें लॉग इन करेंगे तो, और ले लेगा तो फिर आगे यूज कर लेता है वो। तो अनजान सोर्सेस से ये सब जो भी आता है उनको, उन पे भरोसा मत करिए, अपनी निजी जानकारी मत दीजिए, डरिए मत, ठीक है। किसी विशेषज्ञ नहीं भी तो कम से कम किसी जानकार से आप बात जरूर करिए, ठीक है। ये आप तीन चार चीज अगर सोच लेंगे ना, समझ लेंगे कि कोई भी हो, मुझे ना डरने की जरूरत है, ना मुझे अपना व्यक्तिगत जानकारी देने की जरूरत है, ठीक है, तो आप 99% प्रॉब्लम से तो ऐसे ही बच गए, क्योंकि वो आपके डर या लालच का ही फायदा उठाते हैं, ठीक है। आपकी इस चीज में लॉटरी लगी है, आपको इस चीज में अवार्ड मिला है, आपको इस चीज में प्राइज मिला है, अरे आपने अप्लाई किया था क्या, कैसे मिल गया आपको अपने प्राइज, तो प्राइज मिला है तो दे, वो जैसे पहले होता था RBI के, आपको इतने हजार डॉलर का प्राइज मिला है, आप 1,00,000 रुपए जमा करिए तो हम आपका बाकी राशि वो करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। उनको बोलिए ठीक है भाई तू उतना काट के दे दे मेरे को, मेरा जितना भी धनराशि बना है उसमें से तुम्हारा कमीशन या ये जो भी प्रोसेसिंग फी लगता है काट के दे दो, वो नहीं देंगे, वो कभी नहीं होता, ये सब कभी नहीं होता है। तो इसलिए अपनी निजी जानकारी मत शेयर करिए, डरिए मत, वो ईडी CBI पुलिस कुछ भी बोले, बोलना हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मैं वकील को लेके आता हूँ, कहाँ आना है बोलो, वही बात खत्म हो जाती है, कुछ नहीं होता है। DTDC में आपका ये वाला क्या बोलते हैं, आपके नाम से पोस्टेज आया था, डिलीवरी आई थी और इसके अंदर कोकेन मिला है, ड्रग्स मिले हैं, ये मिला है, वो मिला है, बोलना मैं मंगाया ही नहीं, तो आप कहाँ से मेरे ऊपर ये सब इल्जाम लगा देंगे, ये फालतू की बात है। और एक जरूरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट से है, पहले से मैं देखता आया हूँ कि किसी भी व्यक्ति जिसके साथ ये हुआ है ना, आप उसको ये मत बोलिए कि कैसे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे में अकल नहीं है क्या, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी, ऐसा वैसा। अगर आप उनको शेम करेंगे तो वो शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, और आप जितना वो शेयर करने से रोकेंगे लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उतना फ्रॉडस्टर्स का पावर बढ़ते जाएगा, उतना ये लोग इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बेवकूफ़ बना है और उसको बताने से जगह सही होती है, तो बताता नहीं है, तो हम तो और पावरफुल हैं, हमारे बारे में और कोई नहीं जान रहा है, तो चाहे जो कोई भी बताए वो किस परिस्थिति में उस चीज़ में फंसा है ये आपको नहीं मालूम है, तो इस तरह का जजमेंट मत पास करिए। जो भी है आप उसको cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है भारत सरकार ने लॉन्च कर रखी है, उसमें जाके वो आप कंप्लेंट रेस करिए, और एक चक्षु पोर्टल है, चक्षु, ये भी भारत सरकार ने 2024 में ही मार्च में लॉन्च की है, वहां आप ये जो नंबर वगैरह आपका आते हैं ना वो रजिस्टर कराते जाइए। इसका यही एक तरीका है कि आपके जितने नंबर आते जा रहे हैं, जैसे आते जा रहे हैं, उनको सब ऐड करते जाइए, वो करते जाइए, मतलब रिपोजिटरी में डालते जाइए। तो आपको कॉल ऐसा कुछ आता है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, कट करिए, उस रिपोजिटरी को जाके चेक करिए क्या ये वहाँ नंबर है, आपको आधे टाइम तो ट्रू कॉलर पे ही मिल जाएगा, वो स्पैम मार्क्ड रहता है। तो वो चक्षु पोर्टल जो है उस पर भी जाके आप मार्क करिए, ट्रू कॉलर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें भी उसको स्पैम मार्क करिए, जितना इन्फॉर्मेशन फैला सकें कि भाई ये फ्रॉड कॉल है और ये उनका मोडस ऑपरेंडी है, इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, उतना फैलाइए, ठीक है। जितना हम लोग आपस में सजग होकर कनेक्टेड रहेंगे उतना स्कैमस्टर्स कमजोर होंगे। एक आखिरी चीज जो मैं बताना भूल गया, वो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक वगैरह पे होता है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक, मतलब लॉक नहीं किया है, अनलॉक छोड़ दिया है, तो वो लोग आपका फोटो डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के एक नया प्रोफाइल बनाते हैं और आपके फ्रेंड्स को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब वो लोग वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको मैसेज करते हैं कि अरे मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आप ये भेज दो, मैं कल आपको भेज देता हूँ। वो लोग सस्पेक्ट नहीं करते हैं, पैसा भेज देते हैं, बाद में पता चला कि और असली आदमी तो भेजा ही नहीं था। तो भाई आपके कोई मित्र हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं तो थोड़ा तो जानते होंगे, ऐसे ही अनजाने में तो नहीं मांग लेंगे, एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि भाई तुम सही में तुम ही पैसा मांग रहे हो या कोई और है। जब वेरीफाई हो जाए तो कर दीजिए, हमेशा कंफर्म करो। पैसा भेजना अगर कहीं पे भी है तो उसको कंफर्म करो। कंफर्म आप करेंगे, अपना ड्यू डिलीजेंस करेंगे, कोई एक दो लोगों से बात कर लेंगे, सजग रहेंगे, तो आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। संभावना बहुत कम हो जाती है
और आपस में इसको शेयर करते रहिए। मैं आमतौर पे अपनी वीडियोस को शेयर करने के लिए नहीं बोलता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हफ्ते में ही एक एक दो दो आ जाते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे देश में स्कैम एक तरह का बिजनेस हो गया है, बढ़िया लोग ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता पुलिस इस मामले में क्या कितना कर पा रही है और आगे क्या कितना कर पाएगी, लेकिन हम लोग अगर सजग रहेंगे तो हम लोग एक ढाल बना सकते हैं जिससे हम हमारे सिटीजन्स को और खुद को भी ऐसे स्कैम्स से बचा सकें। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए अपने, खास करके अपने जो आपके अगर माता पिता या दादा दादी हैं जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं जो इतने टेक्नोलॉजी से वो अडेप्ट नहीं हैं, उनको नहीं पता चलती हैं चीज़ें, उनके शिकार होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप भी देखिए, उनको भी दिखाइए और ये और करिए। आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके, कोई सवाल है, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे संभव होगा मैं जवाब दूंगा जैसा भी होगा। cybercrime.gov.in ध्यान रखिए, चक्षु ध्यान रखिए, लोगों को एम्बेरस नहीं करना है, अपना जानकारी नहीं देना है, घबराना नहीं है। फेसबुक या और कहीं पे व्हाट्सएप पे पैसा मांगता है तो एक बार कंफर्म करना है, ठीक है। पैसा भेजने से पहले या कोई भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने से पहले एक बार आराम से थोड़ा सा सोच लीजिए। मैंने कहा आप 99% केसेस आपके साथ नहीं होंगे, आप बच जाएंगे, ठीक है। एक कदम उनसे आगे रह के हमको चलना है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे प्लीज़ पूछिए, वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।